केयर था तुम्हारे पास वो नहीं। झारखंड का बेटा, झारखंड का लाल, आज जी एडवांस का रिजल्ट आया जो कि एक अच्छी परचम के साथ अच्छी रिजल्ट आई है। सीधा हम आयुष कुमार से बात करेंगे कि आखिर इसकी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे, आप कितनी मेहनत किए थे? जी जैसे जेई एडवांस जैसे कठिन एग्ज़ाम में जब आपको अच्छा करते तो अच्छा लगता है, और मैं इसके लिए सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने माता पिता, टीचर्स, मेरे दोस्तों, मतलब और जितने लोग जो भी मेरे इस प्रिपरेशन जर्नी में मेरे साथ थे, मैं सब उनका साथ देना चाहूँगा। मतलब वो उनकी वजह से आज जो भी है वो मुमकिन है, और मैं ऐसे ही अच्छा करने के लिए उनके से आशीर्वाद एवं उनका स्नेह मांगना चाहूँगा। और इस जेई एडवांस परीक्षा में अच्छा करने के लिए आपको निरंतर मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत एक जगह और निरंतर मेहनत दूसरी जगह। निरंतर मेहनत मतलब आप मेहनत कर रहे हैं पर रोज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं बट रोज़ करना, यही आपको अपना दिन का एक प्रॉपर गोल बना लेना है और उसको फॉलो करते रहना है हर दिन। और वही है धीरे धीरे धीरे, जैसे आप धीरे 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 आप एक एक पत्थर रख के वो राम सेतु का निर्माण कर सकते हो, वैसे ही हर दिन आप एक पत्थर रखिए उस रास्ते में और आप आगे जाइएगा। अगर असफलता भी मिलेगी तो तजुर्बा मिलेगा, वही बात है। मतलब कुछ भी आप किसी चीज़ से कुछ खो नहीं रहे, आप पा रहे हैं। हर टेस्ट से आप कुछ पाइएगा। यदि आपका टेस्ट अच्छा गया तो आप कॉन्फिडेंस भी पाइएगा, और अगर आपका टेस्ट खराब गया तो आप उससे बहुत कुछ सीखिएगा, यही है। तो ऐसे नहीं मन को हारना है और निरंतर लगते रहना है। मान लीजिए आपका जेई एडवांस उतना अच्छा नहीं हुआ, तो जीवन इसके आगे भी है, जीवन इसके बाद भी है। आपको अच्छा करना है, यही ज़रूरी है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही समझना है। इसकी तैयारी के लिए क्या आपने सोशल मीडिया का भी कुछ नहीं? मैं सोशल मीडिया में तो बटन वाला फ़ोन यूज़ करता था, वो अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। मतलब मैं इंटरनेट से दूर था, सोशल कनेक्ट से दूर था, और ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर कोई सोशल कनेक्टेड है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते, जैसे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ। तो अंततः मैंने बोला कि नहीं, फ़ोन नहीं रखूँगा, स्मार्टफोन नहीं रखूँगा, सिर्फ बात करने के लिए एक छोटा सा ये कीपैड वाला फ़ोन रखा, और उसी से मैंने पूरे 2 साल प्रिपरेशन की। और अगर कोई डाउट भी होता था तो मैं सोशल मीडिया नहीं, अपने टीचर से सहयोग लेता था। केमिस्ट्री टीचर हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। सर, कितनी गौरव की बात है कि आपकी पढ़ाई बच्चे की सफलता इस तरह से प्राप्त हुई, कितना गौरवान्वित? एक लंबा अनुभव है फिर जी के शिक्षकों को ऐसे रिजल्ट की, क्योंकि जब से फिर जी खुला है तब से सिटी टॉपर हर साल यहीं से होता रहा है। और बच्चों को क्या आशा निराशा के बीच जो परेशानी है वो हमको हर साल अपडेट होते जाता है जनरेशन के साथ, इसलिए हम बच्चों के साथ खड़े रह पाते हैं। और जैसे इस बार का जो टॉपर है तो होस्टलर रहा, इसके लिए पेरेंटल सपोर्ट का भी काम यहाँ के शिक्षकों ने किया। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया से दूर रहा बच्चा, वो उसके लिए बेनिफिट इन डिसगाइज था, क्योंकि भटक जाते हैं बच्चे जब सोशल मीडिया में जाते हैं, कुछ सवाल का जवाब खोजने भटकते इधर उधर बहुत घूम जाते हैं। तो मैं तो सलाह यही दूंगा कि जब तक उच्चतम सफलता आपको नहीं मिलती है, आप बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करिए, और टेक्स्ट बुक है, आपके शिक्षक हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, आप इंटरनेट से दूर रहिए। तो फिजिटी क्लासेस अच्छे तरीके से चलाए जाते हैं यहाँ पे, यहाँ के टीचर भी अच्छे तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं और बेहतर रिजल्ट की कामना भी करते हैं और अच्छी शिक्षा भी देते हैं। रांची से आशीष प्रसाद।